हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ नथिंग बट द जिलियंस बायर्स विच इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स विच इज़ नथिंग बट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स फॉर ऑल टाइम। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक बार जिलियंस बायर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। इसके पहले भी मैंने हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए हैं, जिसमें आपको मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको दी है। साथ ही में बिजनेस रिलेटेड काफ़ी सारे कमर्शियल फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सारे वीडियोज़ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपकी जो भी बिजनेस प्रोसेस है, जो भी आप बिजनेस रन करते हो, उसके लिए उसका काफ़ी सारा यूज़ भी हुआ होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज भी मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, जो आपके लिए काफ़ी आपके बिजनेस के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के मेरे इस सेशन में मेरा नया टॉपिक विच इज़ नथिंग बट द डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन SAP MM। SAP MM सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने इसके पहले भी आपको काफ़ी सारी जानकारी दी है। उसी सॉफ्टवेयर में हम अभी किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, ये हम हमारे आज के इस सेशन में समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द एजेंडा एजेंडा ऑफ डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले एजेंडा में हम देखेंगे कि हमारा ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेवल क्या है। उसके बाद हम इसके डेफिनेशन क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स है इसमें कितने सारे लेवल्स होते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा क्लाइंट, उसके बाद आता है हमारी कंपनी का कोड, फॉलोड बाय प्लांट, उसके बाद हम देखेंगे इसका स्टोरेज लोकेशन क्या होता है, देन है परचेज ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद आता है परचेज ग्रुप। सो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से जो कि हम एक एक करके आगे समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ SAP MM सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स। तो ये जो भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लेवल समझाई थी, ठीक है, क्लाइंट, कंपनी कोड, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, ठीक है, ये सारे इनका एक स्ट्रक्चर अभी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सपोज यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड यूर बिजनेस माइट बी हैविंग डिफरेंट लेवल, सो दिस लेवल्स कैन बी मैप्ड इन SAP एज फॉलोज, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, एट टॉप मोस्ट लेवल, यहाँ पे आपको टॉप मोस्ट लेवल पे दिखेगा, एट टॉप मोस्ट लेवल यू हैव क्लाइंट एंड क्लाइंट हैव अ डिफरेंट कंपनी कोड। सबसे पहले है हमारा क्लाइंट, ठीक है, हमारे क्लाइंट के क्या होते हैं, डिफरेंट कंपनी कोड्स होते हैं। ठीक है, जो भी मैं अभी आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाऊंगी, डिफरेंट कंपनी कोड्स रिगार्डिंग डिफरेंट बिजनेस यूनिट। सबसे पहले होते हैं हमारे क्लाइंट, उनके दो कंपनी कोड्स होते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट कंपनी या फिर बिजनेस यूनिट। ठीक है, अभी उसके बाद क्या होता है, हर कंपनी के दो प्लांट्स होते हैं, ये हमारा ट्री डायग्राम है जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने फॉर एग्जांपल कंपनी वन कंसिडर की तो उसमें आते हैं उसके टू प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्लांट वन एंड प्लांट टू। ठीक है, आफ्टर कंपनी कोड यू हैव अ डिफरेंट कंपनी प्लांट एंड प्लांट कैन हैव अ डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन। ये प्लांट वन प्लांट टू हो गया, उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल प्लांट वन के दो स्टोरेज लोकेशन होंगे अलग अलग जगह पे, ठीक है, प्लांट टू के भी दो स्टोरेज लोकेशन होंगे। उसके बाद हमारे टिक डायग्राम में आता है कि हर एक स्टोरेज लोकेशन का उसका परचेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, विच इज नथिंग बट द परचेज ऑर्गेनाइजेशन वन एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू। ठीक है, ठीक उसी तरह स्टोरेज लोकेशन टू के भी दो से तीन परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। उसके बाद आता है परचेज ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप, ठीक है, परचेज ग्रुप वन एंड परचेज ग्रुप टू। इस तरह से ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसके बारे में आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारे क्लाइंट के डेफिनेशन। ठीक है, अगर क्लाइंट के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो हमने अभी लेवल्स में टॉप मोस्ट, इस पर मैंने शो किया था कि टॉप मोस्ट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इन R3 सिस्टम, जो हमारा क्लाइंट होता है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मोस्ट यूनिट होता है हमारे R3 सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंपनी कोड। कंपनी कोड में हम देखेंगे कि कंपनी कोड इज द इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग यूनिट। ये जो हमारा कंपनी का कोड होता है ये हमारे अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लीगल एंटिटी दैट हैज इट्स ओन प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस स्टेटमेंट। जो हमारा कंपनी कोड होता है वो तो अकाउंटिंग यूनिट पे डिपेंडेंट भी नहीं होता, और साथ में इसके जो लीगल एंटिटीज होती है जिसमें इसका ओन प्रॉफिट रहता है, मतलब जिसका साल भर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और ये जो भी लॉस और प्रॉफिट का जो भी बैलेंस शीट्स होते हैं या फिर बैलेंस स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सारे लीगल एंटिटीज इस कंपनी कोड के अंडर आती है।
ठीक है। हाँ, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे प्लांट। अभी हमारा क्लाइंट हो गया, कंपनी कोड हो गया, आगे हम जानेंगे कि प्लांट क्या होता है। ठीक है, प्लांट इज एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट विद इन अ कंपनी वेयर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है जहाँ पर कंपनी की जो प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज होती है वो सारी उस प्लांट के अंदर में होती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने मेरे काफ़ी सारे पुराने वीडियोज़ में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है, होप सो आपने वो सारे देखे होंगे अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे जानते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल। इसमें हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा स्टोरेज लोकेशन। तो स्टोरेज लोकेशन इज अ प्लेस वेयर स्टॉक इज केप्ट फिजिकली। जिस लोकेशन पर आप अपने प्रोडक्ट का स्टॉक फिजिकली रखते हो उसे हम बोलेंगे हमारे स्टोरेज का लोकेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट मटेरियल स्टॉक्स इन अ प्लांट्स। जो प्लांट्स में हमारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनके बीच में जहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा स्टोरेज लोकेशन। आगे हम देखेंगे परचेज ऑर्गेनाइजेशन। परचेज ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट अंडर कंपनी और प्लांट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब हमारी कंपनी या फिर प्लांट जो भी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो सारी चीज़ें आती है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंडर में। ठीक है, प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी मैंने आपको समझा है, जैसे कि RFQ कैसे जनरेट करना, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कैसे होती है, परचेज ऑर्डर हम किस तरह से जनरेट करते हैं, ये सारी जो प्रोसेस होती है ये सब आती है हमारे परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। इसके बारे में अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूँ, सो सपोज यू हैव 10 परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर बाइंग अ मटेरियल फ्रॉम अ सिंगल वेंडर, सो यू कैन क्लब दिस ऑल रिक्वायरमेंट्स एंड यू कैन मैप टू रेफरेंस परचेज ऑर्गेनाइजेशन, सो इट विल हेल्प इन बेटर निगोसिएशन। अगर आपके पास 10 ये है परचेज ऑर्गेनाइजेशंस है और उन वो सभी किसी एक ही वेंडर से अगर मटेरियल्स बाय कर रहे हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो, परचेज ऑर्गेनाइजेशन इज लिंक टू रेफरेंस परचेज ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूज फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेटर निगोसिएशन। मतलब आप उन सभी को एक ही जगह मैप करके आप एक काफ़ी अच्छा निगोसिएशन कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी हम देखते हैं कि परचेज ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीडे प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो जैसे कि फ्रेंड्स हमारी कंपनी प्लांट है, ठीक है, उसमें डे टू डे एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे कि कीपिंग, जैसे कि प्लांट कीपिंग है, इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटीज है। ठीक है, ये सारी जो डेली जो एक्टिविटीज होती है ये सारी अच्छे से मेंटेन करने के लिए, ये सारी जो एवरीडे प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज है ये सारी एक्टिविटीज हमारे परचेज ग्रुप में होती रहती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे परचेज सॉरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल जिनके बारे में मैंने अभी आपको समझाया, जिसमें एक हम छोटा सा रिकॉल ले तो उसमें हमने सबसे पहले देखा क्लाइंट, क्लाइंट के बाद हमने देखा है कंपनी कोड, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज आती है, उसके बाद हमने हमारा स्टोरेज लोकेशन देखा है जहाँ पर हम स्टॉक को फिजिकली प्रेजेंट करते हैं या फिर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा है कि किस तरह से परचेज ग्रुप होता है और बाद उसके पहले आपने देखा है कि किस तरह से परचेज ऑर्गेनाइजेशन होता है और बाद में अभी हमने देखा कि किस तरह से आप परचेज ग्रुप में एवरीडे प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए इसको हम अभी SAP MM सॉफ्टवेयर के जरिए अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से देखो और ध्यान में लेना कि ये प्रोसेस किस तरह से आपको आपके बिजनेस में यूजफुल हो सकती है। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अभी हमारा ये नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यू नीड टू गो टू डिस्प्ले IMG पेज, एंटर SPRO इन कमांड फील्ड, नाउ सेलेक्ट SAP रेफरेंस IMG. This will navigate you to the Display IMG page. Now, first organization structure is company. To define company, go to enterprise structure. Now select definition. Now select financial accounting. Now select define company. To make a new entry of your company, click on New Entries icon. Here you need to enter your company name, your company's complete address, your language key, and your country's currency. So here I am entering test data. After filling your company's detail,
Click on Save. A customizing request pop-up will appear. All changes that are made are saved in request number to keep a track of changes done with your user ID. Also, this customizing request on a later stage helps to move the changes from one system to another. So click OK on this pop-up. Now a new company will be created. Now next organization structure is company code. To define company code, go to enterprise structure. Now definition. Now select financial accounting. And now click on edit, copy, delete, check company code. Now select edit company code data. To make a new entry of your company code, click on new entries icon. Here you need to fill your company code with your company name, with country and currency. So here I am entering test data. Now click on save. A new pop-up will appear. Here you need to fill your company code owner's name along with your address. Now click on OK. Now click on OK on customizing request pop-up. A new company code will be created. Now next organization structure is plant. To create a new plant, go to enterprise structure, select definition. Now select logistic general. Now click on define, copy, delete, check plant. Now click on define plant. To create a new plant, click on new entries icon. Here you need to fill your plant name. So here I am entering test data. Now click on save. A new pop-up will appear. Here you need to fill your complete plant's detail with the address and the owner of plant. Now click on OK on the customizing request pop-up. So a new plant will be created. Now next organization structure is storage location. To define storage location, go to enterprise structure. Select definition. Now select materials management. Now click on maintain storage location.
enter your plant name. Now click on OK. To make a new entry of your story location, click on New Entries icon. Now enter your storage location and with your description. Now click on Save. Click OK on Customizing Request pop-up. A new storage location is created. Now next organization structure is purchase organization. To create purchase organization, go to the same path, enterprise structure, then definition, then select materials management, then select maintain purchase organization. To make a new entry of purchase organization, click on New Entries icon. Here you can enter your purchase organization with your purchase description. So I am entering test data. Now click on Save. सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के इस टॉपिक पे मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल डिफाइनिंग की जो प्रोसेस बताई विद द हेल्प ऑफ SAP MM सॉफ्टवेयर, वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आपके बिजनेस में उसका काफ़ी सारा आपको यूज़ भी होगा। ये इतनी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो कि हर कोई बिजनेस पर्सन अपने जो उसका सिस्टमेटिक प्लानिंग होता है उसमें वो ऑक्यूपाई करता है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये सेशन, आज का ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस सेशन। सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।